गाइस भाभी भी आ गए तो रमेश जाने वाला है घंटे बाद। रमेश मेरे भाई बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, छी 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 छी, ये मेरा बैग है क्या? अबे यार क्या दिखा रहे हो? ओहो, ये डांडी का बोल है, मुझे बहुत पहले से बोल रही थी। सुन ना, बच्चा है तो ये भी बच्चा, वो भी पीछे बच्चा है। ये मेरा सबसे अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, ये भी खुलेगा। क्या ग्रीन टी पी रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहा बता दो दे हमारे व्यूअर्स को। बैंगलोर? चेन्नई जा रहा तू? तो गाइस ये जा रहा है चेन्नई और मैं सही है। कल का पार्टी कैसे? भोला भाला लगता हूँ मैं, सीधा साधा मैं, चांदनी चौक टू चाइना, चेन्नई चलो, चेन्नई जा रहा हूँ। ऐसे को कंट्रोल करना सीख रहा भाई, उसके पेट में आराम से करना, आराम से ऐसे से कर, आराम आराम से कर, आराम आराम से देखे देखे ऐसे कर, देखे ऐसे ऐसे कर। कहाँ कर रहा है कुछ इसमें तो होता क्या हुआ? चैची ने ऐसा खींच लिया एकदम, देखो ये खींचा क्यों, लाइन बना दिया इसे तो खींचा क्यों, खींचे पेट्रोल लगा जा गया। वैसे इंजेक्शन लगा रखा, इसका कोई दिक्कत नहीं। कौन जा देना? हाँ आज जा देना, नहीं तुम तो जाओगे, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा तो है आज ट्रेन। शैशी ने गिफ्ट दे दिया भाई को, शैशी का खेलना सिखा रहा था मैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखिए कितना बैठ जाता है। उसे टोक मत खाली भी। नहीं नहीं मुझे नहीं टोकता, हां मेरे साथ तो खेलता है, देखो ना देखो ना, किसने बोला मुझे तो टोकता ही नहीं है। अब नहीं भाई, अब खत्म। मैंने से जो ट्रेनिंग दी है ना भाई साहब, मेरा ट्रेनिंग कम आया, मेरा ट्रेनिंग कितना कम आता है जी। कैट के ऊपर एक मूवी भी है ना नेटफ्लिक्स में, मूवी नहीं है वो डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री है कि कैट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो देखा मैंने। इनकी डायरेक्ट आंखों में नहीं देखना होता, थोड़ा सा ऐसे करके देखना होता है, कुछ रिलेटेबल करना पड़ता है। और ये बहुत समझदार है कैट, बहुत ज्यादा समझदार जानवर है, बहुत ज्यादा समझदार है। ये तो है ही हमारा, ये आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा है भाई। बस ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। इंडिया गॉट टैलेंट में आए तो कैट्स, दुनिया सारा घूम गया था, टट्टी कर रहा, घर में खाना खाना आता था, कुछ कितना तेज हमसे सीखे ना, हम जैसे सोते वैसे ही सोता है, हम जैसे सोता ऐसे ही सो रहा है। देखो ये शशु, उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, चाय पी लो। तो गाइस भाभी भी आ गई है वहां पे और यहाँ पे चाय की तैयारी चल रही है। मेरा चाय और मम्मा अंदर है। मम्मा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अकेडमी पे, रेडी रहना आप, ठीक है? रमेश रमेश आप भी रेडी रहना, ठीक है भाई? रेडी है ना? गाइस भाभी भी आ गए तो रमेश जाने वाला है घंटे बाद। रमेश मेरे भाई बाय बाय, अच्छे से काम कर, मेहनत कर, लाइफ आगे बढ़, सबका नाम रोशन कर, ठीक? सबका नाम रोशन मत करियो, रोशन मतलब तू अपना काम ऐसा कर कि सबका नाम, तेरा नाम रोशन हो जाए। मतलब मेरा वाला रोशन नहीं, वैसा वाला रोशन हो जाए। चलो गाइस गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है, चलो बाय गाइस। गाइस एक सीन हो गया था, क्या हुआ? चैंपियनशिप में गया था तो मैं वहाँ बहुत बिजी था और इतना टाइम लग गया था, कम से कम ये मान लो 8-9 घंटे लग गया और हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और स्टूडेंट्स को भी देखना होता है, तो भाई का ट्रेन था उस दिन, तो 11:15 का था रात का। तो अब मेरे पे मैसेज आया रात के टाइम कि आपका रिशेड्यूल हो गया, 31 को हो गया ट्रेन। तो अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, 0040 लिखा था, तो मुझे लग रहा था नेक्स्ट डे होगा। बट सीन क्या हुआ, उसी रात को 12:30 बजे ऐसे कुछ ट्रेन था, तो भाई का वो ट्रेन छूट गया और दिमाग ख़राब हो गया मेरा, सच में भी मूड ऑफ हो गया, क्योंकि पता ही नहीं चला। एक तो हेल्पलाइन में भी कॉल नहीं लगता इन लोगों का, ड्रामे बहुत है। तो वापस नया ट्रेन किया है, तो आज रात को 9 बजे भाई की ट्रेन है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बस चाय पीऊँगा, अकेडमी निकलूँगा, 1 घंटे बाद आती सीधा फिर भाई को छोड़ने जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आकर। तो ये कि भाई को गुड बाय करने का टाइम हो गया और अच्छा टाइम स्पेंड किया भाई के साथ, और पता नहीं कितना शूट कर पाऊँगा, क्योंकि यार आके फिर एकदम से निकलना है और दूर भी है। तो अभी चाय पीते हैं फिर आप लोगों को मिलता हूँ। पेट्रोल भरा रहे हम और अकेडमी से भाग के आए हैं और एकदम भाई को उठाया, अब निकल रहे। भाई कैसा लग रहा है? मस्त,
इमोशनल तो नहीं हो रहा जाने से पहले? नहीं, मिस करेगा नहीं करेगा? करेगा, मिस तो करेगा गाइस, मिस तो करेगा। तो गाइस अब आप लोगों को सीधा वहीं मिलते हैं, अब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। गाइस हम पहुंच गए हैं और सो गाइस आ गए हम रमेश को छोड़ के, तो हम सीधा आए रोहित के फ्लैट में क्योंकि कुछ काम है तो इसी वजह से आए हुए। बट ट्रेन छूटते छूटते रह गया गाइस, सच बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल शार्प टाइम में पहुँचे थे, 5 मिनट भी लेट हो गए थे। वो तो हमने कूली कर दिया, मम्मी ने कूली करवा दिया, तो उसको छोड़ आइडिया, मम्मा का आइडिया है, तो अभी देखते ऊपर जा रहे हैं। बाकी बैटरी बहुत कम है गाइस, गाइस मैं ना सच बता रहा हूँ, मैं बहुत कम सफ़र करता हूँ ट्रेन में, नहीं चला ही नहीं मैं, फ्लाइट में चलता हूँ सिर्फ, मैंने अभी तक फ्लाइट में चला। और याद करो नेपाल गए थे तो कितना सही सजीलो भागो थे गाइस। ये तो मम्मा तो नेपाल भी कह रही थी बस में जाएंगी, मैंने फ्लाइट में पता चलता है, पता आपको बस में कितना घंटे लगते और फ्लाइट में 1 घंटे में, तो हालत ख़राब हो गई। देखो गाइस कैसे हालत में गए, मतलब सीधा अकेडमी से आया और सीधा लेके गया भाई को, तभी भी ना गूगल मैप पे तो गाइस भरोसा करना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत घुमाया ना आजकल ना गूगल मैप पे भरोसा करना कम करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज बहुत ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसी वजह से गूगल मैप पे 100% तो भरोसा मत करना, पूछते रहना चाहिए इसी वजह से। अभी चलो आप लोगों को देखते इस व्लॉग को कंटिन्यू घर पे करेंगे। अरे अब कहाँ भाग रहा था ये मेरा झिंगूर है ना, इसका नाम झिंगूर निप्पू सा है, मुंह से तो बोला जावे ना है। हाँ झिंगूर झिंगूर है ना माँ, घर तो पहुंच गए हैं। सैसी भी मम्मा नहीं होते तो भागता ही रहता है उधर उधर। कमान मम्मा कमान कमान मम्मा आप कर से, चलो मम्मा गिव अप नहीं करना मम्मा। शशि बाय बाय बाबू, गुड नाइट गुड नाइट। देखो गुड आ गया। सो गाइस घर पे आ चुका हूँ और बस इतना ही है, और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू एंड गुड नाइट।